नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ देखो आप टेलीग्राम चैनल के अलावा अपनी जो वेबसाइट है onlyias.in, फिर से बोलता हूँ onlyias.in, इस वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड पर क्लिक करके सारी रिवीजन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyias.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyiassales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल VC 11184 के बारे में है। क्या है ये? ये देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, यानी मिसाइल्स को ट्रैक किया जाएगा इस शिप के द्वारा। नाम देखो चेंज हो जाएगा, एक बार इंडियन नेवी के बेड़े में जब इस शिप को इंडक्ट किया जाएगा नाम चेंज हो जाएगा। अभी ट्रायल्स होने बाकी हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ट्रायल्स कंडक्ट होंगे इस शिप के लिए। इस शिप को देखो बिल्ड किया गया है, बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हमारे देश की प्रमुख जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है। 1942 के आसपास हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया था प्राइवेट कंपनी के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने सारे स्टेक्स खरीद लिए इस कंपनी के। अभी बहुत कम देशों के पास ऐसा शिप है जो कि मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। हम VC 11184 की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करें। यह शिप एक साथ 300 क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकेगा। हाईटेक गैजेट्स लगे होंगे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी लगे होंगे। 2 डीजल इंजन होंगे इस शिप में और एक बड़ा डेक भी होगा। यहां पर देखो आगे एक बड़ा डेक होगा जहां पे हेलीकॉप्टर उतर सकेगा। अपनी तरह का यह पहला सर्विलियंस शिप होगा। याद रखिएगा, अगर UPSC पूछती है VC 11184 रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? कोई मिसाइल है, शिप है, सबमरीन है या फिर टैंक है, क्या है? ये एक शिप है जो कि मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल काजिन 2018 के बारे में है। ये देखो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कजाकिस्तान की मिलिट्री के बीच ऑर्गेनाइज होगी। ये थर्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी दोनों कंट्रीज के बीच। कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? तीसरा एडिशन काजिन 2018 का, ये ऑर्गेनाइज होगा ओटर रीजन कजाकिस्तान में। वैसे देखो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होती है जिसका नाम है प्रबल दोस्ताइक। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों की आर्मीज को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। इंडिया और कजाकिस्तान के जो डिफेंस रिलेशंस हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से, और दोनों देश सिक्योरिटी से संबंधित मैटर्स पर मिलकर काम करेंगे। लोकेशन आप देख लीजिए सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान की, यहां पर देखो ये है कजाकिस्तान। चलते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज 2018 के बारे में है। कहां पे ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई? इंडियन ओशन में। किसके द्वारा इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया? यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया। यहां पर नीचे देखो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यानी IOC, ये देखो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम किया था 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी लहरें जब आई थी, काफ़ी तबाही मची थी। उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया था, इंडियन ओशन के कंट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश किया था ताकि इंडियन ओशन के लिए स्पेशली एक इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम इस्टाब्लिश किया जा सके। इंडिया समेत 23 दूसरे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज 2018 में। वैसे देखो एम क्या है इस एक्सरसाइज का? एम है ये चेक करना, इवेल्यूएट करना कि इंडियन ओशन में विभिन्न कंट्रीज की फिलहाल क्या कैपेबिलिटी है, रिस्पांस कैपेबिलिटी क्या है अगर सुनामी लहरें आती हैं तो। इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं वो सुनामी लहरें आने पे किस प्रकार से रिस्पांस देंगी, क्या वो तैयार हैं? अगर वो तैयार नहीं हैं तो कम्युनिटी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, विभिन्न लेवल्स पे कंट्रीज की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, उनको तैयार करना सुनामी लहरों के लिए। इसके अलावा गवर्नेंस, मैनेजमेंट,
प्रोसेस भी इम्प्रूव करना मेंबर स्टेट्स की मकसद वही है, ताकि उनको प्रिपेयर किया जा सके सुनामी लहरों के लिए। हम बात कर रहे थे इस इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन की, जो इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये देखो क्या करती है, ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है जो कि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है मैरीन रिसर्च के क्षेत्र में, ऑब्जर्वेशन सिस्टम, हजार्ड मिटिगेशन, इन सब चीज़ों के क्षेत्र में, और विभिन्न कंट्रीज़ की कैपेसिटी डेवलपमेंट करती है, ताकि विभिन्न कंट्रीज कोस्टल एरिया और ओशन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सकें, और ओशंस में जो हजार्ड्स आते हैं उनसे लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज 2018 के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल स्लीनेक्स 2018 के बारे में है। स्लीनेक्स देखो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और श्रीलंका की नेवी मिलके इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। 2005 में यह एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में तो हर दो साल में एक बार ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होती थी, लेकिन आजकल हर एक साल ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच। पिछले बार देखो यानी 2017 में ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी विशाखापट्टनम में, और इस साल अभी ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है श्रीलंका के ट्रिनकोमाली में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, DRDO के द्वारा यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट किया गया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। स्वदेशी है यानी खुद से ही हम इसे डेवलप कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। DRDO ने इस मिसाइल को डेवलप किया है इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर VEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलके। आगे तो देखो नॉर्मल सी बातें हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वार हेड फिट किया जा सकता है इस मिसाइल के अंदर, और रेंज जो है वो है ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट आर्टिकल परहार मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, परहार मिसाइल का सफल एक्सपेरिमेंट किया गया DRDO के द्वारा। कहाँ पर, अब्दुल कलाम आइलैंड पर। अब्दुल कलाम आइलैंड का पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड। परहार मिसाइल की बात करें, ये देखो बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कई सारे वार हेड्स को एक साथ कैरी किया जा सकता है इस मिसाइल के द्वारा, और कई तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। इस मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स, वेट कितना है, लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ होता है इस मिसाइल में, और ये सिंगल स्टेज मिसाइल है। स्पीड मैक 2.03 है। स्पीड के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, रेंज है 250 किलोमीटर, यानी पिनाका और पृथ्वी मिसाइल के बीच की रेंज है परहार मिसाइल की। मैक क्या होता है, देखो मिसाइल की जो स्पीड्स हैं वो हम मैक में रिप्रेजेंट करते हैं। मैक नंबर निकालते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो परहार मिसाइल की स्पीड है 2.03 मैक नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि परहार मिसाइल की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से दो गुना है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी दी हुई है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखो वो मिसाइल होती हैं जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती हैं। सुपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल जिनकी स्पीड 1 मैक नंबर से ज़्यादा होती हैं। ट्रांसोनिक मिसाइल वो मिसाइल्स जिनकी स्पीड एग्जैक्टली 1 मैक नंबर होती हैं। और सबसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल जिनकी स्पीड 1 मैक नंबर से कम होती हैं, यानी जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से कम होती हैं। चलते हैं आगे मिसाइल के बारे में है। आकाश मिसाइल देखो स्वदेशी मिसाइल है। DRDO के द्वारा आकाश मिसाइल को डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 1984 में, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। 30 किलोमीटर तक की रेंज है आकाश मिसाइल की, और अगर टारगेट 18 किलोमीटर की हाइट पर है, यानी 18,000 मीटर की हाइट पर है, टारगेट किया जा सकता है आकाश मिसाइल के द्वारा। रोहिणी रडार लगा होता है आकाश मिसाइल पर, और रोहिणी रडार जो है वो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है 120 किलोमीटर दूर तक। रोहिणी रडार के द्वारा फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, जल्द ही
हमारी आर्म्ड फोर्सेस आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट प्राप्त करेंगी और इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा प्रोसीजरल अप्रूवल दे दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में आकाश मिसाइल का एक्सपेरिमेंट हुआ था स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ। देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की आवश्यकता होती है और ज़्यादा एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करने के लिए, और स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ आकाश मिसाइल का सफल एक्सपेरिमेंट हुआ था पिछले साल दिसंबर 2017 में। और देखो, उस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के साथ ही अब हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम किसी भी टाइप की सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल अस्त्रा मिसाइल के बारे में है। कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा अस्त्रा मिसाइल के बारे में। सबसे पहले देखो, ये स्वदेशी मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कौन सी होती है? पायलट देखो किसी टारगेट पर वार करते वक्त ना सिर्फ उन टारगेट्स पे वार कर सकता है जो पायलट्स की नज़र में है, पायलट्स जिन टारगेट्स को देख सकता है, इवन बहुत दूर के टारगेट्स जिनको पायलट्स के द्वारा देखा भी नहीं जा सकता, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, उन टारगेट्स को भी हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की सहायता से। एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, सक्सेसफुली यानी सफल रूप से टेस्ट किया गया सुखोई एयरक्राफ्ट से। अच्छी खास बात देखो ये है अस्त्रा मिसाइल की, रेंज काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। लॉन्ग रेंज हो सकती है इस मिसाइल की 110 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज हो सकती है 20 किलोमीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए, इन फैक्ट्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अपॉर्चुनिटी रोवर के बारे में है। अपॉर्चुनिटी रोवर जिसे MERB यानी मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर बी के नाम से भी जाना जाता है। रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, 20 सेकंड में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए ये मार्स है और यहाँ पे मार्स का ऑर्बिट है। कोई स्पेसक्राफ्ट अगर इस ऑर्बिट में मार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो कहलाएगा ऑर्बिटर। अगर वो स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड करेगा तो कहलाएगा लैंडर। लैंड करने के बाद अगर उस स्पेसक्राफ्ट से 6 पहियों की एक गाड़ी निकलेगी, घूमेगी मार्स पर मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो 6 पहियों की गाड़ी कहलाएगी रोवर। अपॉर्चुनिटी रोवर एक्टिव है 2004 से ही। इसे सेंड किया गया था नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर प्रोग्राम में। शुरुआत में इस अपॉर्चुनिटी रोवर को एक्टिव रहना था सिर्फ 90 दिनों के लिए, यानी 90 दिनों का मिशन था इस अपॉर्चुनिटी रोवर का। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक काम किया इस अपॉर्चुनिटी रोवर ने, लेकिन मार्स पर जब डस्ट स्टॉर्म आया तो अपॉर्चुनिटी रोवर का जो कनेक्शन था वो टूट गया नासा के हेडक्वार्टर से, मतलब हाइबरनेशन मोड में चला गया था अपॉर्चुनिटी रोवर। लेकिन अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, नासा का मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर, इसके द्वारा एक इमेज ली गई और उस इमेज में स्पॉट किया गया है अपॉर्चुनिटी रोवर को। आप स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हो, तस्वीर जो ली गई है मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर के द्वारा, उसमें ये है अपॉर्चुनिटी रोवर। आगे दो और छोटी छोटी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहली, बिमस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित। पहली बिमस्टेक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज महाराष्ट्र के शहर पुणे में ऑर्गेनाइज होगी। थीम होगी सेमी अर्बन एरिया में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को चलाना। सेमी अर्बन एरिया में अगर आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिलती है तो कैसे एरिया को खाली करवाया जाए, कैसे सर्च ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाए, ये थीम होगी पहली बिमस्टेक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। देखो, वैसे नेपाल बिमस्टेक का मेंबर है, लेकिन नेपाल इस पहली बिमस्टेक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल नोमैडिक एलिफेंट के बारे में है। ये देखो, एक एनुअल इंडो मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और मंगोलिया की मिलिट्री मिलके इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं और ये एनुअल एक्सरसाइज है। 2018 का एडिशन ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पर? मंगोलिया के शहर उलान बाटर में। फोकस होगा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में टैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स का आदान प्रदान किया जाए, और दोनों देशों की मिलिट्री एक दूसरे से ये सीखेगी कि रूरल और अर्बन सीनेरियो में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को किस प्रकार से चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट। कल हमने बिमस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। नाम ये एडिशनल है, आप ये भी याद रखिएगा, मिलेक्स के बारे में अगर यूपीएससी पूछती है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। बिमस्टेक की पहली
जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसी का नाम है मिलेक्स। कल हमने इसे डिस्कस किया था। मिलेक्स नाम कल नहीं आया था लेकिन आज के न्यूज़पेपर में मिलेक्स नाम है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल युद्ध अभ्यास 2018 के बारे में है। ये इंडिया और यूएस के बीच कंडक्ट होने वाली जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। क्या कंटेस्ट है इस एक्सरसाइज का? 14वां एडिशन यानी 14th एडिशन कंडक्ट होगा उत्तराखंड के चोबाटा में। देखो ये एक्सरसाइज एक साल इंडिया में कंडक्ट होती है तो अगले साल यूएस में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यही हैं, बाकी तो सिंपल बातें होती हैं। दोनों देशों की आर्मी को एक दूसरे से सीखने को मिलेगा इस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज में। खैर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के बारे में है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। VC11184 क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन, ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसे रिसेंटली इसरो के द्वारा स्पेस में इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा ऑप्शन, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है सरफेस टू सरफेस जिसे इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। तीसरा ऑप्शन, ये इंडिया का पहला सिप है मिसाइल को ट्रैक करने के लिए। चौथा ऑप्शन, नन। ये हमने शायद कल ही डिस्कस किया था, कल या परसों ही डिस्कस किया था। इसका आंसर सी है, ये हमारे देश का पहला सिप है जो कि मिसाइल्स को ट्रैक करेगा। अब आते हैं आज की आर्टिकल की तरफ। देखो इस सिप को बिल्ट किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके लिए? NTRO के लिए यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हमारे देश की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि डायरेक्टली काम करती है प्रधानमंत्री ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की गाइडेंस में। ऑर्गेनाइजेशन पे वही नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी दूसरी एजेंसीज पे लागू होते हैं। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में प्रोविजन था, ये जो एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी NTRO को लिस्ट किया गया था उस नोटिफिकेशन के तहत, द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1985। देखो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इस एक्ट के अंदर रखा जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती हैं। जैसे उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज हैं वो यूनियन या फिर किसी प्रकार की एसोसिएशन नहीं बना सकते। उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो राइट हैं वो कर्ब हो जाएंगे। उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय मीडिया से यानी प्रेस से किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, और अगर उनको कोई बुक भी पब्लिश करनी है तो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड की अनुमति के बिना वो एम्प्लॉयज बुक नहीं पब्लिश करेंगे। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखो अगर इंटेलिजेंस एजेंसी के एम्प्लॉयज मीडिया से बात करने लगेंगे तो काफी सीक्रेट डिटेल्स बाहर आ जाएंगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश की पहली इंडिजिनस एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट के बारे में है। देखो न्यूक्लियर केमिकल बायोमेडिकल वारफेयर में या फिर किसी तरह के न्यूक्लियर इंसिडेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस जो चलाए जाते हैं तो उस सिचुएशन में पैरामिलिट्री या फिर पुलिस फोर्स का कोई जवान घायल हो जाता है, तो जो घाव होता है इस प्रकार के ऑपरेशंस में उस घाव को हील करने के लिए स्पेशल किट की आवश्यकता होती है। पहले हम इस प्रकार की एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट को इंपोर्ट करते थे USA और रशिया जैसे देशों से, लेकिन काफ़ी महंगी पड़ती थी। अब हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के द्वारा इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने हमारे देश की पहली देसी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का निर्माण किया है। इससे हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के जवानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और न्यूक्लियर इंसिडेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में अगर कोई घाव होगा तो उस घाव को जल्दी से भरा जा सकेगा। तो अगर UPSC पूछती है कि हमारे देश की पहली देसी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के साइंटिस्ट के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल महाराष्ट्र से है। क्या कंटेस्ट है? महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है साइबर थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए स्पेशली एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, और पहले फेज में इस यूनिवर्सिटी पर 80 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी, और इसको लेके अप्रूवल दिया जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब महाराष्ट्र के कैबिनेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। ये यूनिवर्सिटी जो स्पेशली साइबर थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए इस्टेब्लिश की जाएगी, ऑलमोस्ट
3000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा साइबर अटैक्स के क्षेत्र में, इंटरनेट क्राइम्स के क्षेत्र में, और साइबर फोरेंसिक्स से संबंधित बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके अलावा 15 दूसरी इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित टेक्नोलॉजीज से भी प्रोफेशनल्स को रूबरू करवाया जाएगा। ये देखो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कुछ समय पहले पुणे के एक कोऑपरेटिव बैंक में साइबर अटैक होता है और 90 करोड़ का फ्रॉड होता है। तो इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार का ये जो कदम है वो सराहनीय है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्ट फेंसिंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर 5 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग बिछाई गई है। अभी देखो स्मार्ट फेंसिंग बिछाई गई है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। देखा जाएगा स्मार्ट फेंसिंग काम किस प्रकार से कर रही है, उसके बाद अगर ये ठीक से काम करेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पूरा जो बॉर्डर है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, पूरे बॉर्डर पे स्मार्ट फेंसिंग बिछाई जाएगी। काफ़ी सारे फायदे होंगे इसके। अभी देखो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस पेट्रोलिंग करती हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ ना हो। एक बार जब ये लेजर एक्टिवेटेड फेंस बिछ जाएगी तो टेक्नोलॉजी की सहायता से पता लगाया जा सकेगा कहाँ पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस स्मार्ट फेंसिंग में, रडार है, सोनार है, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, यानी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, सर्विलियंस के लिए अलग से सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे सर्विलियंस हो सकेगी इस स्मार्ट फेंसिंग की सहायता से। चाहे डस्ट स्टॉर्म आए यानी रेत का तूफान आए, धुंध हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन सर्विलेंस हो सकेगी इस स्मार्ट फेंसिंग की सहायता से। और देखो 5 किलोमीटर का ये स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के प्लूरा में। प्लूरा एक जगह है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पर 5 किलोमीटर की ये स्मार्ट फेंसिंग शुरुआत में बिछाई गई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज एविया इंद्र 2018 के बारे में है। देखो ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और रशिया की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्सरसाइज में। 2014 में सबसे पहले इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और एक साल में दो बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती हैं। 2018 में एक बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी सितंबर में रशिया के शहर लिपेट्स्क में, और दूसरी बार दिसंबर में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होगी इंडिया के शहर जोधपुर में। फोकस होता है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस पर। याद रखिएगा एक्सरसाइज एविया इंद्र के बारे में। क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इंडिया ये एक्सरसाइजेस कौन से देश के साथ मिलकर कंडक्ट करता है? पहला है संप्रीति, क्या संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर कंडक्ट करता है? दूसरा सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। तीसरा युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ। आप बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फिर कौन सी सही है, सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। देखो इसका आंसर डी है, तीनों ऑप्शंस सही हैं, तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की मिलिट्री मिलकर कंडक्ट करती हैं, सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर की मिलिट्री मिलकर कंडक्ट करती हैं, और युद्धाभ्यास इंडिया यूएसए के साथ कंडक्ट करता है। वैसे देखो यूपीएससी के द्वारा अभी तक इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सर्टेनली इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन एक फैक्ट था, आपको रूबरू करवाना चाहता था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइबर शिक्षा इनिशिएटिव के बारे में है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ मिलकर। आज के समय में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है और इस डोमेन में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। वुमेन प्रोफेशनल्स मैन प्रोफेशनल्स के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा कम है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। तो इसी वजह से कुछ वुमेन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस इनिशिएटिव के अंदर सीडेक के द्वारा, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकें। शुरुआत में देखो
टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ पे फोकस किया जाएगा, यानी टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में वुमेन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। दो फायदे होंगे देखो सीधा सीधा इस इनिशिएटिव से, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में, तो और ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बनेंगे ट्रेनिंग हासिल करके सीडेक से। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में वुमन की संख्या बहुत कम है, वुमन की संख्या बढ़ेगी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में। सीडेक एक साइंटिफिक सोसाइटी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। वैसे तो सुपर कंप्यूटिंग पे रिसर्च की जाती है सीडेक के द्वारा, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पराक्रम पर्व के बारे में है। 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पराक्रम पर्व को ऑब्जर्व किया गया। 2016 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट किए गए थे हमारी आर्मी के द्वारा, LOC क्रॉस करके वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया था हमारी आर्मी के द्वारा। तो दूसरी वर्षगांठ थी 29 सितंबर को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की करेज, बहादुरी और सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट कर। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।